नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन देव, विभाग क्रीड़ा केंद्र प्रमुख, गाजियाबाद विभाग शारदा परिवार। आज आपके लिए एक्सरसाइज के बाद किस तरीके से रेस्ट करते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। इसको आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज के बाद कहाँ कहाँ किस तरीके से रेस्ट देना है, किस तरीके से बॉडी को पूरा आराम देने की प्रक्रिया हम करने वाले हैं। एक बार देखेंगे, मेरे साथ गौरव है, एक जाओ गौरव। तो बस सीधे ऐसे लिटाना, सीधे करना पैरों को, ठीक है। धीरे धीरे उसके पंजों को उठाना, पंजे उठाना, आगे की तरफ से इसको दबाने की कोशिश करना इस तरीके से, फिर इसको ऊपर की ओर उठाना इस तरीके से, इसको करने की कोशिश करना उंगलियों पर पहले, फिर उसके बाद नीचे धीरे धीरे खींचने की कोशिश, आराम आराम से खींचेंगे। जैसे आप देखो इसमें आवाज़ें आ रही हैं चट चट की, ये आने की शुरुआत करनी। दूसरे पैर को उठाना सीधे, इस तरीके से सीधे उठाना, नीचे दबाना, नीचे दबाएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे शरीर। जिसके साथ कर रहे हो उसका पैर बिल्कुल ढीला होना चाहिए, पैर सीधा होना चाहिए। इसको नीचे दबाना इस तरीके से, इसको वापस ऊपर उठाने की कोशिश, सीधे पैर उंगलियों को खींचने की कोशिश, इस तरीके से सारी उंगलियां चटकती जाएंगी। दोनों पैरों को पकड़ना आसानी से इस तरीके से, और इस तरीके से वाइब्रेशन देनी, ये 25 से 30 सेकंड की वाइब्रेशन आपको बॉडी में देनी है। एक बार आप इधर देखेंगे आकर के, पास में पकड़ने की जो प्रक्रिया है, अंगूठों को इस तरीके से नीचे से सपोर्ट देना, ये इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से खिलाएंगे। जब आप इसे इस तरीके से लाएंगे फिर इसको इस तरीके से खिलाएंगे, धीरे धीरे वापस नीचे छोड़ेंगे, ये आपको इसे करना। वापस एक बार पीछे की तरफ घूमेंगे गौरव, देखिए ये प्रक्रिया है, थोड़ा नीचे हो जाए, देखो ये इस तरीके से। आपको शुरुआत कहाँ से करनी, यहाँ से करनी। ये जो हिस्सा होता है पंजा, सबसे ज़्यादा यूज़ रनिंग के लिए इसका करते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं हमेशा। इसको यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ दबाना शुरू करना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दोनों पैरों में यहाँ पर मसाज देनी, यहाँ से शुरुआत करनी इसकी सबसे पहले। उसके बाद आपका जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा रनिंग के लिए सबसे कमज़ोर माना जाता है, तो इस पर मसाज देनी। जो दर्द ज़्यादातर यहाँ शुरू होता है, इस पर इस तरीके से आपको करना, ये उंगलियों को इस तरीके से करते हुए जाएंगे, ठीक। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हमें करना है, पूरी बॉडी को इस तरीके से इसके मसाज देने की काम करनी, ये इस तरीके से करना, ठीक। ध्यान रहे दोस्तों, शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, यहाँ से करते हुए ऊपर आना, इस चीज़ के हिस्से को करना, ठीक है, ध्यान से, और फिर इसको इस तरीके से करना, ये इस तरीके से हम खींचते हुए ऊपर लेकर के आएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर आप इसको पूरे मसल्स को करोगे टाइट, ठीक। वापस आप पीठ के पास आओगे, यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से करना, हाथ का ध्यान रखना, या तो हाथ सीधे हो या हाथ पीछे हो, ठीक। इस प्रक्रिया में आपको इसको इस तरीके से पकड़ना, इस तरीके से करना, ठीक। इसको इस तरीके से करते जाएंगे, ये वाली हिस्से को इस तरीके से आपको देखिए कर रहे हैं, ये पकड़ने की स्थिति, ये यहाँ से इस तरीके से करते रहेंगे। ध्यान दें, ये करने के लिए आप केवल जब आपकी बॉडी पूरी तरह थक चुकी होगी, आप पूरी तरीके से पसीने में नहा चुके होंगे, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी होगी, तब इसको करना, बॉडी को रिलैक्स देने के लिए से करना। यहाँ पे कंधों के पास चार उंगलियों से यहाँ पे सपोर्ट देना, ठुड्डी जमीन पे करवा करके इस तरीके से, बॉडी को कहीं पे भी टाइट नहीं करना। हाथ को उठाना धीरे धीरे नीचे, दूसरे हाथ को उठाना धीरे धीरे नीचे, ये आपने देखा किस तरीके से हमने किया बॉडी को, ठीक है। जब इसको आप कर लेंगे, उसकी सांस ना भरी हो, जिस खिलाड़ी के साथ आप ये करने जा रहे हैं उसकी सांस ना भरी हो, सीधे सर नीचे जमीन पे इस तरीके से, बिल्कुल हाथ फ्लेक्सिबल, उसके बाद हल्का सा यहाँ से पुश करना इस तरीके से, अगर ठीक है, हल्का हल्का पुश करना इस तरीके से, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर इसको उठाना इस तरीके से। ये आपने देखा और ये आपने देखा, दो तरीके आपने देखे इसमें, ठीक। खिलाड़ी का हाथ ठीक सामने, ठीक, आपको धीरे से उसको पकड़ना और ऐसे उठाना जितना उठा सकते हैं, धीरे धीरे लॉक लगेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। जो अपने हाथ का लॉक नहीं, वो खिलाड़ी लॉक लगाएगा जितना वो उठ सकता है, और इस तरीके से आपको उसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए खींचना। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल आसान। मेरे हाथ के पास देखिए, मैंने नहीं लॉक लगाया, खिलाड़ी का लॉक लग रहा है। ये प्रक्रिया में आपको इस काम को करना है, धीरे धीरे वापस इसको सीधा छोड़ेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके हाथ को इस तरीके से करना, ध्यान दे रहे हैं आप ये, और इसके हाथ को फिर इस तरीके से उठाना, एक
दो तीन, ठीक। उसके बाद इसको इस तरीके से एक दो तीन, ठीक। हाथ सीधे यहाँ से पकड़ना, एक दो तीन चार पाँच छ, ये आपने देखा किस तरीके से किया हमने, ठीक है। हाथ सीधे, हाथ सीधे रखने के बाद पैरों की तरफ आना, पैरों को फोल्ड करना इस तरीके से, एक, ठीक है, एक दो तीन। अभी आपने देखा कि पैर के पंजे आगे हैं इधर की तरफ, अब इसको एक दो तीन, इसको साइड से एक दो तीन, ये आपने देखा। अब आपको इसको यहाँ लगाना और इसको यहाँ से दबाना, एक, देखिए ये पैर यहाँ पैरों के बीच में, यहाँ एक दो तीन, इसको वापस इधर और इसको यहाँ दबाना, एक दो तीन, ये आपने देखा किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पैर फोल्ड हुआ, ठीक। आपको यहाँ पे बैठना, अपने पैरों से यहाँ सपोर्ट देना, यहाँ से पैर उठाना, एक दो तीन, ये एक, देखिए समझ लीजिए इसको, दो और तीन, एक, ये यहाँ से दो तीन, ये आपको इस तरीके से करना। दोनों पैर आपको समझ में आ गए किस तरीके से करना। अब दोनों पैर को क्रॉस करना इस तरीके से और फिर दबाना, यहाँ पे पंजों को पकड़ना, एक दो तीन, दूसरी तरफ इसको करना, दबाना, एक दो तीन। तो ये अभी आपने देखा किस तरीके से हमने इसको किया। वापस सीधे हो जाओ, करो सीधे, आप देखें ऐसे सीधे हैं, ठीक है। पैरों की पोजीशन गड़बड़ है, आपको हाथ को उठाना, यहाँ पे पैरों को दबाना, हाथ सीधे, यहाँ पैर को सीधे, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपको आगे लेके जाना, एक दो तीन, ठीक। जितना आप इसे अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश। इसके लिए आपको अपने कंधे का सपोर्ट लेना, एक दो, ध्यान रहे पैर यहाँ से फोल्ड नहीं करने, तीन चार। अगर कंधे का सपोर्ट नहीं लेते हैं तो आपको हाथों का सपोर्ट इस तरीके से ले सकते हैं, एक दो तीन चार। धीरे धीरे दूसरे पैर से भी इसी काम को करना, यहाँ से इसको सीधे, एक दो तीन, और इसको फिर वापस चार। इस प्रक्रिया को यहाँ पे करना, पैर सीधे होंगे, यह आपने देखा किस तरीके से किया। दोनों पैरों को उठाना, फोल्ड करना और यहाँ पे दबाना, एक दो तीन, ठीक। पैरों को क्रॉस करना और फिर इसको दबाना, एक, पैर फिर मिलाओ ऐसे, घुटने घुटने मिलाओ आपस में, हाँ, एक दो तीन चार, पैरों को चेंज करके, एक दो तीन चार। ये आपने देखा किस तरीके से हमने किया, सेम पोजीशंस जो हमने अभी करी थी, सेम पोजीशंस में इसको यहाँ से फिर स्टार्ट करना। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो हड्डी है यहाँ पे गैप दिखता है, इस गैप के पास से दबाना शुरू करना, एक दो, घुटनों के पास आके इसको इस तरीके से मालिश करनी। कटोरी पे हाथ रख के आप इसे घुमा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इसको पूरा इस तरीके से घुमाना, पैरों को इस तरीके से लेके जाना, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे इसको दबाना इस तरीके से, ये आपको पूरा करना। ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा होता है पैरों के पास का मूवमेंट, इसको जो ब्लॉक सिस्टम से हमारा होता है ये थोड़ा सा लूज होता है, तो यहाँ से इसको दबा के रखना और ये यहाँ से उठाते हुए इसको यहाँ पर लेकर जाना। यहाँ की जो नसेस होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा आपको इस तरीके से हिलाना। जो मोच की समस्या होती है, पैर मुड़ जाना, मोच आना, वो यहीं से शुरुआत होती है नीचे से, तो इसको आपको दबाना और इसको आपको करने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, धीरे धीरे इसको यहाँ पे हम जो हमारे हड्डी के गैप्स होते हैं इसको भरते हुए ऊपर की ओर खींचना और अपने घुटनों के पास जैसे मैंने बताया उस तरीके से करना। वापस लेके आएंगे पूरी बॉडी को खींचते हुए, यहाँ पर आपको इसको कम को करना। ये आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो हड्डी होती है, यहाँ पे जो हमारी नसें खींच जाती हैं रनिंग के वक्त, जंप के वक्त, तो उसको करना। तो ये आपको पूरा काम इसमें करना है। ये आपने देखा किस तरीके से हमने इसको किया। दोनों पैर मैंने आपको बता दिए किस तरीके से उठाने करने हैं, दोनों पैर को एक साथ उठाना, ठीक है,
दबाने की कोशिश, ऐसे ये आपने सीखा अभी तक, ठीक। अभी आपने इतना देखा हम कर रहे थे, अब हम आगे देखने वाले। अपने हाथों को इस तरह कर लेंगे, अपने लेफ्ट पैर को उठा के राइट हैंड तक ले जाने की कोशिश, इस पैर को दबा के रखना, इसको यहाँ पे लाने की कोशिश, ये इस तरीके का पैर खींचा और इसे उठाने की कोशिश जितना हम खींच सकते हैं, ये पोजीशन में धीरे धीरे इसको वापस लाएंगे, वापस उसी जगह पे रखना, इसको उठाना, इस वाले हाथ को पैर को वहाँ तक लेके जाना और इसको खींचना, ये आपको पैर सीधा, ये इस पोजीशन में आपको इस काम को करना है। ध्यान दीजिए, आप इसको वापस धीरे धीरे लाना, ये आपको तीन बार उधर से, तीन बार इधर से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करना। पैर दोनों फोल्ड करेंगे, वेरी गुड। अब इसको इस तरीके से घुमाना और फिर इसको, ये आप देख रहे पोजीशन, इसको फिर इस तरह से इधर घुमाना, ये पोजीशन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, इस पोजीशन में करना, धीरे धीरे पैर सीधे, वापस इसको वापस लाना, वापस इसको उस तरफ घुमाने की कोशिश और फिर इसको वापस इस तरफ घुमाने की कोशिश, इस प्रक्रिया को आपको करना, ठीक है। पैर सीधे, ये आपने देख लिया किस तरीके से करना है। अब आप उठ के बैठेंगे, उठ के बैठेंगे, आप देखेंगे पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से और वाइब्रेशन करनी है, ये 25 से 30 सेकंड तक करनी है आपको, 25 से 30 सेकंड की। आप इस पर दो सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कंफर्टेबल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और पूरा फास्ट करने की कोशिश उसको करना है। हाथों का पीछे सपोर्ट आपने ले रखा है, देखिए किस तरीके से इसे करना, फिर इसको किस तरीके से करना, पैर सीधे, पैर थोड़े से सीधे, थोड़ा सा उठा के रखना पैरों को आपस में, इस तरीके से करना, ये वाली पोजिशन में आपको इसको करना है। ये आपने देखा ये किस तरीके से हमने किया, इसे करना 25 से 30 सेकंड का आपको सेटअप बना के चलना है। थोड़ा सा आप इसको क्या कर देंगे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इस पोजिशन में ध्यान रहे जमीन पर पैर ना लगे, ठीक है। देखिए पोजिशन ये रहेगी, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब आप दोनों पैरों को इस तरीके से रखेंगे और इसको आगे की तरफ घुमाएंगे, ठीक, अपोजिट साइड से, ये पोजिशन में। अब आपको इस तरीके से इसको करने की कोशिश करनी है, देखिए लगातार आप इसे करते जाओगे, ये 25 सेकंड 30 सेकंड का आपको सेटअप बनाने हैं, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से, तीन पोजिशन आपको मैंने बता दी हैं, इसको आपको करना, हाथ सीधे रखेंगे, हाथ लूज करके एकदम इसको पूरा करना, ये पोजिशन में पूरा हाथ धीरा जितना करके कर सकते हैं उतना आसानी से करना, पैरों को फोल्ड करना, जमीन तक इसको दबाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है यहाँ नीचे ला के लगाना, इसको यहाँ से लाना, इसको दबाना और इसको इसे दबाना, ये इसको आपको करना है, हाथ सीधे और पीछे की ओर खींचने की कोशिश, दूसरी साइड से इसको ऐसे करके खींचेंगे, ये पोजिशन, हाथ घुटनों पे, पैर सीधे, सीधे बैठेंगे, श्वास लेंगे 5-4 बार, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को आपको करना है। वापस लेट जाएंगे श्वासन की स्थिति में, इसमें 3 से 4 मिनट आपको लेटने की वो करनी है, श्वास लेनी, श्वास लेनी, श्वास छोड़नी, ये आपको करना इस पोजिशन में आपको करना। तो ये आपने देखा 3 से 4 मिनट आपको इसे इस तरीके से लेटना है, धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। अब ये आपका आज के जो आपने आपको बताया किस तरीके से रिलैक्स कंप्लीट करते हैं, ये आज आपका रिलैक्स कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी देखना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल की वीडियोस आप भेजें। जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8802145193। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले।